नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं सीएनडीसी भाई नंदन। दोस्तों अभी हमारी जो सीरीज चल रही है रेफ्रिजरेटर की 100% इन्फॉर्मेशन, इसकी मैंने 6 वीडियो इससे पहले डाल रखी है, जिसके अंदर की मैंने इसकी रेफ्रिजरेशन साइकिल, इसकी वायरिंग डायग्राम और इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में मैंने काफी सारी डिटेल्स में और 5-6 वीडियो मैंने इससे पहले डाल रखी है। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो ऊपर दिए आई बटन के ऊपर क्लिक करें और सबसे पहले आप उन वीडियोस को देख लें। अगर आप उन वीडियोस को देखने के बाद हमारी और वीडियोस को अगर आप देखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप काफी अच्छी तरीके से रेफ्रिजरेटर के बारे में काफी सारी जानकारियां इकट्ठी कर लेंगे और हमारी आने वाली और जो वीडियोज हैं जब आप उन वीडियोज को देखेंगे तो आप इस रेफ्रिजरेटर की सारी सर्विस खुद से बहुत ही आराम से आप कर पाएंगे। तो दोस्तों मैंने इससे पहले पार्ट 6 के अंदर मैंने आपको ओवरलोड के बारे में बताया था। इसके बाद बारी आती है रिले की। जैसा कि देख सकते हैं ये सारी की सारी रिले हैं, डिफरेंट टाइप की ये रिले हैं। कोई वर्लपूल का है, कोई मास्टर रिले है जो किसी भी रेफ्रिजरेटर के अंदर लग जाता है, तो इस टाइप की काफी सारे रिले हैं। तो रिले के ऊपर मैं वीडियोज बनाऊं इससे पहले काफी जरूरी है कि मैं एक कंप्रेसर को अनबॉक्स करके दिखाऊं ताकि रिले के बारे में मुझे समझाने में और भी ज्यादा आसानी हो और आपको भी समझने में काफी सहूलत हो। क्योंकि इससे पहले यहाँ में 2 कंप्रेसर जो ऑलरेडी पहले से रखी हुई है, एक कंप्रेसर है जिसे स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग और रनिंग दोनों कैपेसिटर की जरूरत होती है। दूसरा कंप्रेसर देख रहे हैं ये 88 नंबर कंप्रेसर है, इसे स्टार्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रनिंग कैपेसिटर की जरूरत होती है। और ये जो आप कंप्रेसर देख रहे हैं इसको स्टार्ट करने के लिए ना ही आपको कोई स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाने की जरूरत होती है और ना ही रनिंग कैपेसिटर। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि कौन सी कंप्रेसर है जो जिसमें कोई भी कैपेसिटर नहीं लगती। फिर आप सीखेंगे कि एक रनिंग कैपेसिटर किस तरीके से लगती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर दोनों जो लगती है आपके कंप्रेसर के अंदर उसकी क्या कनेक्शन होती है, किस टाइप का रिले होता है। तो ये जो रेफ्रिजरेटर आप देख रहे हैं इसमें मैं इस कंप्रेसर को यूज करूंगा, ये LG का कंप्रेसर। तो बेसिकली ये बिल्कुल पैक है, इसे हम अनबॉक्स करेंगे आज के इस वीडियो में। इसे अनबॉक्स करके हम आपको दिखाएंगे कि इसके साथ आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं और किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हालांकि इस्तेमाल मैं इससे लगाकर इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, हमारे आने वाले वीडियोस के अंदर इस रेफ्रिजरेटर के अंदर यही कंप्रेसर लगना है क्योंकि इस रेफ्रिजरेटर की कंप्रेसर खराब है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इसे सिर्फ और सिर्फ आपको अनबॉक्स करके चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें ACNDC बाय नंदन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा वर्लपूल का जीनियस मॉडल है ये रेफ्रिजरेटर, और इसकी कंप्रेसर फिलहाल खराब है। इसकी टेस्टिंग की जो वीडियोस होगी उसके अंदर मैं उसकी सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं जैसा कि ये देख सकते हैं ये है LG का कंप्रेसर जो कि इसके अंदर मैं यूज करूंगा। तो फिलहाल इस कंप्रेसर की करेंगे अनबॉक्सिंग। जैसा कि देख सकते हैं ये 42 नंबर कंप्रेसर है, और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे इसके बारे में डिटेल्स में चीजें दी गई हुई, इसका प्राइस क्या है, कहाँ की मेकिंग है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे है। ये 42 नंबर की कंप्रेसर है, LG की कंप्रेसर है, और जैसा कि यहाँ में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है साइलेंट ऑपरेशन, यानी कि ये जो चलती है तो इसकी साउंड काफी स्मूथ होती है, बाहर आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कंप्रेसर ऑन के पोजीशन में है या फिर ऑफ के पोजीशन में, ठीक है। तो इसके बाद जैसा कि इसकी और खास बात ये होती है कि ये आपकी वोल्टेज काफी लो वोल्टेज के अंदर भी ये काफी आराम से काम कर लेती है, यानी कि 130-150 के आसपास भी वोल्टेज अगर इसको मिल जाती है तो ये चल जाती है, ठीक ठाक इसका परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये डब्बा को जो मैंने लाया है तो यहाँ पे लाने में ये थोड़ा बहुत मुड़ उड़ गया है, लेकिन ये बिल्कुल पैक है। जैसा कि आप यहाँ में देख सकते हैं ये बिल्कुल पैक है, ठीक है। तो चलिए हम इसके पैकेट को खोलते हैं और फिर इसकी पैकिंग हम आपको दिखाते हैं, और दोस्तों फिर हम आपको दिखाते हैं कि इसकी पैकेट किस तरीके से पैकिंग की हुई है। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं
कि मैंने इसके डब्बे को ओपन कर लिया है। यहाँ पे थर्मोकॉल रखी हुई है दोस्तों। इसकी पैकिंग इतनी अच्छी होती है कि बाहर से बसरते इसका कार्टून आप देखेंगे कि मुड़ी हुई है, लेकिन इसके अंदर कंप्रेसर का कुछ भी नहीं बिगड़ता। काफ़ी अच्छी पैकिंग होती है, जैसा कि ये देख सकते हैं। इसके ऊपर एक थर्मोकॉल कुछ इस तरीके से लगाया हुआ है। मैं इसे आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं, ये कंप्रेसर में ये चीज़ बड़ी आराम से यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिट होती है कि कंप्रेसर बिल्कुल भी हिल नहीं सकती। दोस्तों यहाँ में जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ में है इसकी कुछ चीज़ें, इसके एलजी से रिलेटेड कुछ आपकी कंप्रेसर की डायग्राम इसके अंदर दी हुई है, और इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं लिखी हुई जिससे कि आपको ये भी पता चल पाएगा कि कितने लीटर के रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर किस नंबर का आपको कंप्रेसर यूज़ करना है। और साथ में इसके साथ आपको रिले, इसकी कॉमन की टर्मिनल कौन सी है, रनिंग स्टार्टिंग की टर्मिनल कौन सी है, और आपको इसके संबंधित कुछ ज़रूरी बातें इसमें लिखी हुई हैं। इसके बाद जैसा कि देख सकते हैं, इसके अंदर यहाँ में एक ओवरलोड है, एक रिले, तो रिले और ओवरलोड की कैप है, ठीक है। रिले ओवरलोड लगने के बाद कंप्रेसर के ऊपर इस कैप को लगाया जाता है। जैसा कि ये देख सकते हैं, यह है रिले, क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है इसके रिले की। और जैसा कि ये देख सकते हैं, यह है इसका ओवरलोड, क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। और आप जैसा मैं यहाँ में देख सकते हैं, यहाँ में कुछ रबर दी हुई है, रबर की बुशिंग है जो कि बेसिकली कंप्रेसर की स्टैंड के ऊपर लगाई जाती है। तो चलिए हम पहले कंप्रेसर को बाहर निकालते हैं और फिर इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों कंप्रेसर को हमने बाहर निकाला है और जैसा कि ये देख सकते हैं, इसके अंदर चार और मेटल की बूश है जो कि आपके रेफ्रिजरेशन की जो कंप्रेसर है इसके स्टैंड के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, और एक स्क्रू भी इसके साथ हमें मिलती है। और जैसा कि यहाँ में देख सकते हैं, नीचे भी थर्मोकॉल से काफ़ी अच्छी तरीके से सेफ्टी मेजर्स के लिए यहाँ नीचे भी थर्मोकॉल लगा हुआ है। तो चलिए हम इससे बॉक्स को यहाँ से हटाते हैं और फिर कंप्रेसर आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, यही हमारा ब्रांड न्यू एलजी का 42 नंबर की कंप्रेसर, 42 नंबर की कंप्रेसर। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, यहाँ में हमें कुछ रबर की बुश मिली हुई है, जैसा कि ये देख सकते हैं, यह है रबर की बुश, और साथ में एक एक मेटल की भी बुश हमें मिली हुई है। जैसा कि देख सकते हैं, ये रबर की बुश, इसके अंदर जो ये मैंने आपको मेटल वाला बुश दिखाया था, ये इसके अंदर कुछ इस तरीके से फंसती है। जैसा कि देख सकते हैं, मैंने इसे इस तरीके से इसके अंदर डाल दिया, दूसरे के अंदर मैं इसे डाल दूंगा, दो हो गई, फिर तीसरे के अंदर मैं इसे डालूंगा, फिर एक और हमारी रबर की मेटल की बुश होगी, थोड़ा ढूंढना होगा, सॉरी ये मिल गया। जैसा कि देख सकते हैं, ये हमारी तीसरी रबर की बुश है और ये है इसका मेटल का बुश। इससे किस तरीके से लगाते हैं, तो यहाँ में जो आप स्टैंड देख रहे हैं, तो यहाँ में कुछ इस तरीके से ये फंसती है। तो यहाँ में जैसा कि देख सकते हैं, इसके नीचे दो होल की हुई है, जैसा कि मैं आपको थोड़ी सी करीब से दिखाऊं, यहाँ में जैसा कि यहाँ में देख सकते हैं, यहाँ में दो होल बनी हुई है। ये यहाँ भी लग सकती है, फर्स्ट होल के अंदर भी, और ये सेकंड होल के अंदर यहाँ में भी लग सकती है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये यहाँ भी बड़ी आराम से लग सकती है। जैसा कि देख सकते हैं, ये यहाँ भी लग गई, यहाँ भी लग गई। अब डिपेंड करता है कि आप जिस रेफ्रिजरेटर के अंदर इसे लगा रहे हैं उसके अंदर किस टाइप की कंप्रेसर पहले लगी हुई थी, तो जहाँ में आपकी ये होल काम में आ जाए आप इसके सहारे टाइट कर लेंगे इसे, और जहाँ में ये होल मिल जाए आप इसके सहारे इसे टाइट करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे चार हमारी ये बुश है, चारों किनारे पर हम इसे लगाएंगे। जैसा कि देख सकते हैं, चारों किनारे पर हमने रबर के बुश को लगा दिया है, और इसके ऊपर जैसा कि देख सकते हैं तीनों, यह है इसका सेक्शन, यह है डिस्चार्ज लाइन, और यह है इसका चार्जिंग लाइन। चारों के ऊपर
एक रबर की कॉर्क लगी हुई है जिससे कि ये जो कंप्रेसर है ये बिल्कुल वैक्यूम की हुई है, यानी कि इसके अंदर अभी एयर नहीं है, इसके अंदर से टोटल एयर बाहर निकाली हुई है, ये बिल्कुल वैक्यूम है। इससे क्या होता है कि इसके अंदर आपको मॉइस्चर ऐसी चीजें इसके अंदर नहीं जाती और कंप्रेसर काफी अच्छी तरीके से सेफ रहता है। इसके बाद जैसा कि देख सकते हैं बची इसकी ये दो स्क्रू यहाँ हमें मिल रही है, और जैसा कि देख सकते हैं यह है इसका कवर। ये कवर हमारी कुछ गलती से जो मैंने इसे लाया है तो ये टूट गई है थोड़ी सी। इससे मैं आपको ठीक से दिखाने की कोशिश करूँ, देख सकते हैं ये यहाँ में कुछ इस तरीके से लगना था, ये टूट चुकी है। खैर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें होने वाली, तो ये कुछ इस तरीके से कवर है जो कि टूट गई है। ये कवर बेसिकली यहाँ में रिले और ओवरलोड लगती है, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, सॉरी, जैसा कि आप यहाँ में देख सकते हैं ये है इसका ओवरलोड प्रोटेक्टर। ये कुछ इस तरीके से, ये टर्मिनल इसकी कॉमन है तो ये इसके साथ कुछ इस तरीके से यहाँ में हमें प्रेस करना होगा। जैसा कि देख सकते हैं मैंने यहाँ में प्रेस कर दिया। अब जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे दो टर्मिनल यहाँ पे ऊपर में है, और जैसा कि ये देख सकते हैं यह है रिले। तो अब आपको इसके ऊपर कुछ इस तरीके से इसे पुश कर देना होता है, ठीक है। आपने पुश कर दिया, एक सप्लाई आप यहां में डालेंगे, एक सप्लाई आप यहां रिले के ऊपर डालेंगे, आपकी कंप्रेसर अच्छी तरीके से चलने लगेगी। अब यहां में जो दो स्क्रू मिलती है दोस्तों, हमारे पास दो स्क्रू है, जैसा कि आप देख सकते हैं एक छोटी है और एक बड़ी है। यहाँ पे दो टाइप की स्क्रू हमें मिलती है। पहला होता है कि इसे जो हम ग्राउंड करते हैं, अपने कंप्रेसर को ग्राउंड करते हैं, कभी हमारी कंप्रेसर शॉर्ट हो जाए वैसे कंडीशन में सेफ्टी मेजर्स के लिए हम एक स्क्रू को वायर के सहारे हम यहाँ में इसे टाइट कर देते हैं, और बची यहाँ में जो दूसरी, इसे हम इस बॉक्स को कुछ इस तरीके से जब पैक करते हैं तो दूसरे स्क्रू के सहारे हम इसे यहाँ में कुछ इस तरीके से टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों यही है हमारा LG का कंप्रेसर जिसे कि हम अपने इस रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज करेंगे। बची बात, इसके बाद एक वीडियो आने वाली है इससे के रिले से जुड़ी हुई, इससे रिले से संबंधित है कि इसके अंदर स्टार्टिंग कैपेसिटर नहीं लगता, ये डायरेक्टली ऑन होता है, और अगर रिले ना हो या फिर रिले कहीं खराब हो आपके पास, आपको किस तरीके से डायरेक्टली से स्टार्ट करके चेक करना है या फिर रिले किस तरीके से फंक्शन करती है, इसके लिए मैं आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा, यानी कि आने वाले वीडियोस इसी के ऊपर होगी, कंप्रेसर के रिले को लेकर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बनाई वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला। दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको आती है पसंद तो प्लीज लाइक करें, और आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें ACNDC भाई नंदन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।